Hello everyone, I'm Chetna Malik, a final year MBBS student from BTS GNC Sonipat. Today I will show you my whole campus and the hospital college and everything. And I will tell you some details about this college that I like and I don't like. सबसे पहले OPD की entrance आएगी. यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. मात्र 5 रुपये में OPD कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. उसके बाद सामने फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमारी OPD है. ये इस पूरे चार्ट में बता रखा है कौन से फ्लोर पे क्या है. पेशेंट अक्सर पूछते रहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे. तो ये जो मेन यहाँ पे ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है इस पे सब कुछ लिखा हुआ है. अब हम आके जाएंगे तो साइड में इमरजेंसी है और दूसरी साइड सारी OPDs हैं. यहाँ पे गार्ड वगैरह सब होते हैं. इमरजेंसी की एग्जिट एंट्रेंस दूसरी साइड से भी है. बहुत सारी लिफ्ट्स भी लगी हैं और जो हमारा हॉस्पिटल है वो फुल्ली AC है, मतलब सेंट्रलाइज्ड AC है. उसमें CT स्कैन, MRI, एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है. उसके बाद अब आगे आके लाइब्रेरी वो कैंटीन आएगी. कैंटीन में भी जूस, शेक, फास्ट फूड सब मिल ही जाता है मोस्टली. और उसके बाद हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ. ये एरिया मेरे को सबसे ब्यूटीफुल लगता है. मतलब सुबह के टाइम तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुंदर होता है ये. अब हम लाइब्रेरी जो सामने वाली बिल्डिंग है ना उसमें लाइब्रेरी है, LT है और LT लॉन है. और जो आपको दूसरी तरफ कोई बिल्डिंग दिख रही है ना ब्राउन से कलर की, वहाँ से हमारे हॉस्टल शुरू हो जाते हैं. और वो हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है येलो कलर की. पहले हम लाइब्रेरी में जाएंगे. अगर उस रास्ते से जाएंगे ना सामने वाले से तो हम हॉस्टल में चले जाएंगे. अब हम मुड़ जाते हैं यहाँ से लाइब्रेरी जाने के लिए. मैं सुबह सुबह कैमरा उठा के घूम रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं इस लड़के को क्या हो गया है. क्योंकि यहाँ पर इतना कॉमन नहीं है कि आप व्लॉगिंग करो. ये अंकल भी घूर रहे थे अभी मुझे. चलो कोई नहीं, इग्नोर, हम ऊपर चलते हैं. ये रीडिंग है, 24 आवर ओपन होता है यहाँ पे. मतलब सही है, आप बुक्स वगैरह ला सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो. लॉकर वगैरह भी अवेल करा सकते हो अगर आपको चाहिए तो. शायद मैंने कभी कराया नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ. काफ़ी कैपेसिटी है इसकी रीडिंग रूम. एग्ज़ाम्स के टाइम थोड़ा पूरा होता है, नहीं तो खाली पड़ा रहता है. अभी तो सुबह के 6 बजे हैं, कोई ना मिलने वाला यहाँ पर. मैं ये एक भूतों की तरह घूम रही हूँ. और अब ये हमारी लाइब्रेरी है. ये शाम की वीडियो इसलिए आपको बच्चे बैठे हुए मिल रहे हैं यहाँ पर. लाइब्रेरी में आप अपनी बुक्स नहीं ला सकते इसलिए यहाँ पे कम बच्चे आते हैं रीडिंग के कंपैरिजन में. बहुत सारी बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की, मोस्टली बुक अवेलेबल हो जाती हैं. एग्ज़ाम से थोड़ी आप पहले करा लो अपनी बुक्स, नहीं तो इशू. एग्ज़ाम के टाइम सारी बुक इशू हो जाती हैं. मेरे को लाइब्रेरी में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा शांति होती है. यहाँ का AC भी ज़्यादा अच्छा चलता है रीडिंग से. और गर्मियों में कुछ बच्चे तो क्या होता है ना, हॉस्टल में तो AC है नहीं, रीडिंग लाइब्रेरी ऐसे भी आ जाते हैं बैठ के आराम से सुकून में. ये व्यू हमारी रीडिंग से दिखता है, काफ़ी सुंदर है. ये सामने हॉस्पिटल है. चलो हम नीचे आ गए. ये हमारा LT लॉन है. यहाँ पर मोस्टली फंक्शंस होते हैं, मतलब DJ नाइट वगैरह अरेंज कर देते हैं. दिवाली फेस्ट में भी इसको बहुत ज़्यादा सुंदर सजा दिया जाता है. मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत सुंदर लगता है ये. ये मेनली छोटे मोटे फंक्शन तो इसी ग्राउंड में हो जाते हैं. हम सामने जाएंगे तो हमारे LT शुरू हो जाएंगे. अब ये है LT 1 जिसमें हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे. ये हमारा पहला LT था. बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इससे. मैं अपनी सीट की तरफ जाऊंगी, यहाँ पे मैं बैठती थी. चलो हम इससे वापस जाते हैं. ये LT 4 है. यहाँ पे मेनली फंक्शन भी इसी LT में होते हैं. ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब प्रोजेक्टर वगैरह, साउंड सिस्टम भी यहाँ का अच्छा है. और ये हैं LT 3 और 4. ये थर्ड और फाइनल ईयर्स के हैं. ये फाइनल ईयर का है जो हमारा अभी प्रेजेंटली ये वाला LT है. उसके बाद हम जा रहे हैं ये कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ. ये मैंने दोपहर में शूट करी थी. ये आगे आगे मेरी फ्रेंड जा रही है जो मेरे को कोई भाव नहीं दे रही है. ये अभी अभी हमारे कॉलेज में सरस्वती माता की मूर्ति लगी थी. अभी आपको मैं उस साइड जाऊँगी तो दिखेगी, वो दिखी. अभी अभी ये स्थापना हुई है इनकी. बच्चे एग्ज़ाम्स के टाइम तो बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, वैसे कम ही लोग आते हैं. तो हम कॉलेज की बिल्डिंग में एंट्री करेंगे. यहाँ पे अनैट, BChem, फिजियो, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्मा, पैथो सबकी लैब्स हैं मेनली. उस साइड डायरेक्टर ऑफिस है, उसमें मेनली सारा डायरेक्टर ऑफिस वाला काम होता है. यहाँ पे अंदर कॉलेज के अंदर डीन ऑफिस है जिसमें एकेडमिक से रिलेटेड काम होते हैं. कॉलेज में 5-6 फ्लोर हैं. फर्स्ट फ्लोर पे एनाटमी है. मैं दिखा रही हूँ, एनाटमी डे था तो बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर चार्ट्स बनाए थे.
हमारे टाइम पे कम ही बनवाते थे चार्ट्स, वो एनाटमी का DH है जहाँ पे 10 टेबल होती है, 5-5 दोनों साइड और 2 कैडेवर्स होती हैं। अंदर तो नहीं जाऊँगी मैं एनाटमी के DH के, क्योंकि अभी मैंने परमिशन नहीं ली थी तो मैंने बाहर से ही शूट कर लिया। वो आप देख रहे हो जो सामने लिखा हुआ है कि लेट कन्वर्सेशन सीज, लेट लाफ्टर फ्ली बिकॉज ए आर डेड टॉट द लिविंग। मतलब आप DH में हंस नहीं सकते, मतलब DH के कुछ रूल्स होते हैं अलग से डाइसेक्शन हॉल के। सबसे जो स्ट्रिक्ट जगह होती है पूरे MBBS में वो डाइसेक्शन हॉल होती है। मतलब यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको असली डिसिप्लिन सिखाया जाता है, व्हाट इज़ डिसिप्लिन इन MBBS प्रोफेशनल कॉलेज, हाउ टू बिहेव, कब हंसना है कब नहीं हंसना, हाउ टू ड्रेस, एवरीथिंग। या हम लोग ग्रूमिंग कह सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे से। हमें बहुत सब बच्चों को सबसे ज़्यादा खौफ DH का ही होता है। और ये बिल्डिंग देख रही है आपको, ऊपर तक इतने फ्लोर हैं। अब बाहर निकल जाते हैं हम, हॉस्टल एरिया की तरफ जा रहे हैं। ये एक बार कैफेटेरिया खुला था हमारा, लेकिन इतना चला नहीं तो अभी फाइनली बंद हो गया है। और ये हमारा नाम का बास्केटबॉल कोर्ट है, इसमें घास जमी रहती है। छोड़ो अब हम, ये मेरा हॉस्टल है, मैं जूम करूँगी मेरे रूम पे। वो लाल रंग की खिड़की दिख रही है ना जिसमें कूलर रखा, वहाँ वहीं मेरा रूम है। और अब हम उमंग ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। एक ग्राउंड बहुत बड़ा है हमारे लिए, तो और भी बड़े बड़े ग्राउंड होंगे इसमें। हमारे स्पोर्ट्स फेस्ट में कुछ कुछ गेम्स वगैरह होते हैं। अब हम आगे GR हॉस्टल है उसमें जा रहे हैं। 2 GR हॉस्टल है, GR मेल GR फीमेल आमने सामने, उनके बीच में वॉली का कॉर्ट है, वो थोड़ी देर में दिख जाएगा। इस साइड दूसरी साइड अब सारा जो एरिया था जो मैंने क्रॉप कर दिया वो था टीचर्स का एरिया था, इसलिए मैंने सारा हटा दिया, वो हमारे इतने मतलब की चीज़ नहीं होती है। अब हम भागे भागे मेरे हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा हॉस्टल है, स्वर्ण जयंती हॉस्टल। ये होता है 3rd ईयर और फाइनल ईयर के लिए होता है मेनली। और जो आगे दो हॉस्टल है वो 1st ईयर 2nd ईयर और बीच में इंटर्न हॉस्टल है। अब मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। बाय गाइज, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। बाय बाय।